नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के इस बेहतरीन वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर फॉरएवर लिविंग के बारे में। दोस्तों मुझे नहीं पता कि आपको ये बात पता है या नहीं पता कि एक्चुअल में संदीप महेश्वरी सर, जो एक्चुअली मोटिवेशन स्पीकर है, इंडिया के सबसे बड़े टॉप यूट्यूबर्स है ना, संदीप महेश्वरी सर ने फॉरएवर लिविंग को रोस्ट करा है। अब ये वीडियो हम देखने वाले हैं और इसके ऊपर रिएक्शन देने वाला हूँ, कमेंट्री करने वाला हूँ कि एक्चुअल में क्या सही कहा है नहीं कहा है और क्या क्या बातें कही है, सब कुछ बताने वाला हूँ। दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको, संदीप महेश्वरी सर के चैनल के ऊपर अपलोड हो ये जो बिजनेस सीरीज चल रही है ना अभी, उसमें 30 एपिसोड बता रखा है और जैसे हम यहाँ पर थंबनेल भी दिखा रहे हैं, तो दोस्तों देखते हैं एक्चुअल में कि क्या क्या बातें की गई है और कितना रोस्ट करा है संदीप महेश्वरी सर ने। दोस्तों बात यही, लड़की ये बता रही है कि एक्चुअल में इसने ना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रखा है और सामने से एक पर्सन आता है, वो अपने फॉरएवर लिविंग के प्लान को बताता है और इसको ना, इस लड़की को उसको जूम मीटिंग, जो ऑनलाइन वेबिनार होते हैं ना, उसमें ज्वाइन कराता है, पूरा माइंडसेट कर देता है फॉरएवर को लेकर, जैसे बहुत सारे लोगों का माइंडसेट हो जाता है। तो वहां पर फॉरएवर लिविंग को सारा कुछ समझा दिया फॉरएवर लिविंग के बारे में कि एक्चुअल में ये प्लान है, ऐसा है, आप ज्वाइन करो। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है डीयू से किया हुआ है और इस ईयर मेरा कंप्लीट हुआ है और मैं साथ साथ में अभी एमकॉम भी परस्यू कर रही हूँ। और अभी मैंने मैंने कॉलेज में 3 महीने पहले ही डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया हुआ था, वो सब्जेक्ट में मेरे ऐड था, मेरे को उसमें काफ़ी इंटरेस्ट लगा और उसके बाद मेरे को एक लिंक्डइन से ही मेरे को एक पर्सन का इन्विटेशन आया, प्रोस्पेक्टिव उन्होंने मेरे को किया, तो उन्होंने बोला कि लाइक इससे रिलेटेड वर्क है, सो मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था पहले से ही। मैंने सारा वेबिनार अटेंड किया और उसके बाद मुझे पता चला कि ये कंपनी काफ़ी अच्छी है और ये बेसिकली एलोवेरा प्रोडक्ट्स पर बेस्ड है। यहाँ पर ये लड़की कह रही है कि ये कंपनी ना एलोवेरा प्रोडक्ट के ऊपर बेस है, मतलब कि जो एलोवेरा के ऊपर काम करती है वो ये कंपनी, सभी को पता है एक्चुअल में फॉरएवर लिविंग। तो यहाँ पर दोस्तों ये रियल चीज है कि ये फॉरएवर लिविंग को वैसे बताया तो नहीं है नाम पर, कमेंट्स अगर हम जाएंगे ना कमेंट्स में देखेंगे तो सारों ने ये बता रखा है कि बिल्कुल फॉरएवर लिविंग के बारे में ही इस वीडियो के अंदर चर्चा हो रही है, राइट, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो मैंने उसको 3 महीने पहले ही ज्वाइन कर लिया और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने रेगुलर बेसिस पर 1 मंथ तक मेरी वहाँ से लर्निंग चली, सारा कुछ मैंने प्रोसेस अच्छे से सीखा समझा। लेकिन अभी करंट टाइम में ये है कि लाइक प्रोडक्ट में वैल्यू भी ऐड है, सारा कुछ है, बेस्ट प्रोडक्ट है वर्ल्ड के, इसके बावजूद भी मतलब लाइक ट्रेनिंग का 5 डेज का प्रोसेस होता है पर्सन के लिए, वो कंटिन्यू होने के बावजूद भी मतलब पर्सन का आई डोंट नो क्या माइंडसेट होता है और मैं अपना 100% देती हूँ, उसके बाद भी पर्सन नहीं कन्वर्स, या फिर सोच सकते हैं कि वो नॉलेज लेने के बाद भी वो चीज़ें नहीं उनको समझ आती है। सो मुझे रीज़न नहीं पता इसके बिहाइंड में कि मुझे क्या करना चाहिए या इसको कैसे ग्रोथ करना चाहिए। क्या ये मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है? यस सर, काइंड ऑफ। अब ये लड़की ये कह रही है कि हमने अपना 100% दिया और इसको ज्वाइन भी करा, फिर भी कुछ लोग ज्वाइन ही नहीं कर रहे, मतलब ज्यादातर लोग ज्वाइन करते ही नहीं है, एफर्ट बहुत ज्यादा लग रहा है पर ज्वाइन नहीं हो पा रहे, जैसे सबके साथ होता ही है। तो पहले हम देख लेते हैं कि संदीप महेश्वरी सर क्या कह रहे हैं, फिर अपना ओपिनियन बताऊंगा मैं। काइंड ऑफ क्यों? आई थिंक सो, मेरे अकॉर्डिंग आई थिंक सो ये नेटवर्क मार्केटिंग है जो कि लाइक थोड़ा सा इससे डिफरेंट है। ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, दैट इज मल्टी लेवल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, बट इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। अब आपने कहा कि ये जो कंपनी है इसका जो मेन प्रोडक्ट है दैट इज एलोवेरा, तो उसके एलोवेरा का प्राइस क्या है कंपनी का? जैसे 1 लीटर की बॉटल आती है, 500 ml की बॉटल आती है, उसका क्या प्राइस होगा? यस सर, जैसे कि 1 लीटर की जो बॉटल आती है उसका 1600 to 1700 प्राइस है और उसमें अराउंड में अगर बात करूँ 99.7% ओनली एलोवेरा होता है, प्योर एलोवेरा। अभी तक आप कितने लोगों को लेकर के गए हैं वहाँ पे? अराउंड अगर मैं बात करूँ लास्ट मंथ की तो मेरे टीम में एक पर्सन है, तो मैंने उनको करवा दिया है और उसके बावजूद मतलब हर मंथ में अगर मैं बात करूँ 30 से 40 मेंबर को जाते हैं, मैं जिनको करती हूँ, दिखाती हूँ, प्लान दिखाती हूँ। आपका जो क्वेश्चन है ना उसका जवाब इसी के अंदर छुपा हुआ है कि ये जो 30-40 लोगों को आपने पिच किया ये क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे, क्या बोलते हैं? सर आई डोंट नो, मतलब मेरा बेसिक यही मोटिव होता है कि वो प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से नॉलेज लें ताकि एटलीस्ट उनको ये समझ में आए कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे को ये रीज़न नहीं समझ में आ रहा है क्यों ये नहीं करना चाहते हैं या क्यों नहीं कर रहे हैं। नहीं तो उन लोगों से आपने पूछा होगा ना आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या बोलते हैं? यस सर, मोस्टली होता है कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं घर में। क्या फाइनेंशियल इश्यूज है? इसमें कितनी है जॉइनिंग फीस, कितनी है? अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग से 5 to 7,000 की आप प्रोडक्ट परचेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो 5-7,000 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। एक टर्नओवर होता है, 2cc का टर्नओवर होता है जो कि अराउंड 29 to 30,000 का होता है, तो ये होता है फाइनेंशियल इश्यूज बेसिकली। इनिशियल जॉइनिंग तो 5-6,000 रुपए में हो जाती है, मैंने ठीक बोला 5-6,000? यस सर। लेकिन जो आप कह रहे हैं कुछ टर्नओवर का रिक्वायरमेंट होता है व्हाटएवर, कोई लेवल ऊपर उठाने के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो उसके लिए 30,000 रुपए के आसपास का कुछ करना पड़ता है। यस सर। तो जब प्रोडक्ट 1200-1300 रुपए का है आपने बोला, तो 5,000 क्यों और 30,000 क्यों? सर एक्चुअली ये है पॉलिसी कंपनी का कि जब तक आप 30,000 का एक वैल्यू जनरेट नहीं करोगे, टर्नओवर जनरेट नहीं करोगे, तो वो पॉलिसी है बेसिकली कंपनी की, उसके बाद ही आप वर्क स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप 5 to 7,000 की परचेज करते हो प्रोडक्ट तो आप क्या कर सकते हो, रिकमेंड करके भी आपको कमीशन आएगा, लेकिन जब आप टर्नओवर जनरेट करोगे तो आप आगे चल के अच्छी तरीके से मतलब बिजनेस को एक्सपेंड कर पाओगे, मतलब बेसिकली अपना नेटवर्क बना पाओगे कि लेवल 1 है उसको इतना परसेंट मिलेगा, लेवल 2 पे इतना परसेंट मिलेगा, जो आगे ज्वाइन करेंगे उनके आगे करेंगे उस पे भी आएगा, और ऐसे एग्जांपल्स भी होंगे आई एम श्योर आपने देखे होंगे सेमिनार्स में कि जो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, राइट। अब जो ये 2cc की गेम है ना इसी के अंदर सारे फंस जाते हैं, और मैंने दोस्तों पहले भी वीडियो बना रखी है जिसके ऊपर 5 लाख 6 लाख और बहुत अच्छे व्यूज आए, अभी तक मैंने टोटल 3 वीडियो बनाई फॉरएवर लिविंग के ऊपर। क्यों एक्चुअल में क्यों फॉरएवर लिविंग कंपनी नीचे जाते जा रही है, उसका ग्राफ नीचे जाता जा रहा है, क्योंकि उसका एक्चुअल में 2cc का बिजनेस करना पड़ता है, लोग फंस जाते हैं। मेरी टीम में और मेरे जानकारी में बहुत सारे इस तरह के लोग थे जो ये कहते थे कि यार
30,000-40,000 रुपए लगा दिए, बंद कुछ नहीं रहा, पड़े रहते हैं घर में प्रोडक्ट इतने सारे और हो कुछ नहीं रहा। क्योंकि दोस्तों जो लीडर होते हैं ना इसके, फॉरएवर लिविंग गलत नहीं है, जो इसके अंदर लीडर है ना, जो धोखेबाज लीडर होते हैं, वो जल्दबाजी में अपनी ग्रोथ के लिए, अपने चेक बढ़ाने के लिए लोगों को गलत गाइड करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर हम इन सारी चीजों को छोड़ दें जो इसके साथ में बिजनेस जुड़ा हुआ है उसको छोड़ दें, एक बार को सिर्फ प्रोडक्ट की बात करें, आपने बताया कि प्रोडक्ट आता है 1200-1500 रुपए का, यस सर, एक लीटर, यस सर। तो मार्केट में जो और इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं वो कितने रुपए के आते हैं? 400-500। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मार्केट में जो और प्रोडक्ट्स आते हैं वो शुरू हो जाते हैं 150-200 रुपए से और 300-400 रुपए तक जाते हैं, और उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत अच्छे भी होते हैं। लेकिन आप ये कह रहे हो कि इसमें इतना परसेंट एलोवेरा होता है, प्योर एलोवेरा होता है, जिस वजह से महंगा है, बाकी में पानी मिला होता है, एक्वा पानी और भी केमिकल्स होते हैं जो कि इस प्रोडक्ट में बिल्कुल नहीं होते। क्या ये फैक्ट है? यस सर, ये फैक्ट आपको उन्होंने बताया है या आपने खुद वेरीफाई किया? वेरीफाई मैंने खुद से भी किया, गूगल से भी किया है मैंने। देखिए ध्यान से समझिए, गूगल को तो आप एक बार को छोड़ दीजिए, गूगल पे तो कोई भी अपना कोई पोस्ट बना करके डाल सकता है और कुछ भी कहानी बन सकती है, तो एक बार को हम उसको छोड़ देते हैं, गूगल पे क्या है। और इसमें संदीप महेश्वरी सर ना ये भी कह रहे हैं कि अभी आप रुक जाएं, सबसे पहले हमें इस बिजनेस में ना सीखना पड़ता है, फिर सिखाना पड़ता है, रिस्पांस इसीलिए नहीं आ रहा, राइट। और दोस्तों मैं पूरी की पूरी वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, पूरी वीडियो देखो और आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। आपने खुद ने किया, आई एम नॉट श्योर कैसे किया, बट इसको वेरीफाई करने का एक तरीका है, बहुत आसान है। आप किसी भी लैब में जाइए, वहां जा करके जो इस तरह के प्रोडक्ट है उसको टेस्ट करवाइए, सिर्फ इस बेस पर मत आगे लोगों को रिकमेंड करिए इस प्रोडक्ट को जो कंपनी के, क्योंकि अगर वो कंपनी मेरी होगी तो मैं भी यही कहूंगा अपनी हाई कॉस्ट को जस्टिफाई करने की। जहाँ तक मैंने रिसर्च करी है और जहाँ तक मैं खुद पर्सनली अगर अपनी बात करूँ, मैं यूज़ करता हूँ एक पर्टिकुलर कंपनी का जो एलोवेरा है, अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, वो आई थिंक मैं परचेज करता हूँ 250-300 रुपए का पर लीटर की एक बॉटल आती है, और बहुत अच्छी क्वालिटी है, उसमें फाइबर भी है और उसने भी यही लिखा है कि 99% एलोवेरा, आप कह रहे हो 99.5, इस चीज़ को थोड़ा सा और वेरीफाई करिए, क्योंकि अगर मार्केट में बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हैं और अगर आपको अपने घर के लिए परचेज करना है तो आप कौन सा परचेस करोगे, अगर इसके साथ में ये पूरी कहानी ना हो कि ये टारगेट है, ये टर्नओवर है, ये अचीव कर लोगे तो लाखों रुपए आ जाएंगे, करोड़ों आ जाएंगे, व्हाटएवर इट इज, इस सबको अगर हम एक बार को हटा दें, सीधा सीधा प्रोडक्ट की बात करें, जैसे कोई छोटे से भी छोटा प्रोडक्ट हमको अपने घर के लिए परचेस करना होता है, कितनी रिसर्च करते हैं हम, जाते हैं अलग अलग कंपनीज में देखते हैं करते हैं, बट यूजुअली क्या होता है MLM में, नेटवर्क मार्केटिंग में, पैसे को फोरफ्रंट में रखा जाता है, मेन रीजन एलोवेरा या सोप या व्हाटएवर वो नहीं है, मेन रीजन कुछ और है, दैट इज मनी। तो अगर एक बार को आप मनी एस्पेक्ट को हटा दें और सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च करें तो हो सकता है आपको कुछ इतना इंटरेस्टिंग नजर आए कि आप कहें कि इससे बेटर अल्टरनेटिव्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं एट अ चीपर प्राइस। संदीप सर ये कह रहे हैं कि एक्चुअली पहले तो अपने आप को देखो कि अगर आप फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन नहीं कर रहे बिजनेस को लेकर, बिजनेस भूल जाओ एक बार, तो क्या आप फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्टों को, एलोवेरा को यूज करेंगे? आंसर यही होगा नहीं, और सभी का फिर आंसर यही होगा, क्यों? इसके एक्चुअल में प्राइस ज्यादा है और इसी तरह के प्रोडक्ट इससे आधे से भी कम रेट के बाहर मिल जाते हैं, तो क्यों लेगा कोई सामने वाला? या हमारे कुछ सर्वेंट्स हैं, वो लोग उन प्लांट्स में से एलोवेरा निकालते हैं और हम फ्रेश उसको कंज्यूम करते हैं, इससे ज्यादा फ्रेश तो नहीं हो सकता ना? जी सर, बट ऐसे होता है कि लाइक जितना मैंने रीड किया है तो उसके अकॉर्डिंग 400-500 टाइप्स के होते हैं एलोवेरा वैरायटीज, तो ये जो सबसे टॉप का होता है एलो बारबाडेंसिस मिलर, तो इसका यूज किया जाता है उसमें, जो कि इंडिया में आई थिंक अवेलेबल भी नहीं है। देखो ये जो कहानियां हैं ना, ये कहानियां बहुत जरूरी है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जो प्रोडक्ट मार्केट से 5 गुना या 10 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव है, अगर ये कहानियां नहीं होंगी तो वो कैसे बिकेगा? पहले खुद की पूरी तसल्ली करो, नॉट बेस्ड अपॉन जो वो लोग कह रहे हैं या इधर लिखा है उधर लिखा है, उसने कहा, बेस्ड अपॉन फैक्ट्स कि एक्चुअल में सच क्या है, और जब आप खुद पूरे तरीके से कन्विंस हो जाओ फिर ये क्वेश्चन नहीं उठेगा कि लोग ज्वाइन तो नहीं करते। और लास्ट का पार्ट ना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, और संदीप महेश्वरी की जो पूरी की पूरी वीडियो है ना, सबसे ज्यादा पार्ट यही वाला देखे गए, देखिए। तो मैं आपको क्या कहूंगा, अभी आप और लोगों को लेकर के मत जाइए, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको ये होगी, पहले खुद को कन्विंस करिए, खुद ये देखिए कि अगर इस बिजनेस मॉडल को हम हटा देते हैं यहाँ से, क्या मैं इसको खुद यूज करूँगी अपने, अगर दुकान पे मुझे मिल रहा होता प्रोडक्ट क्या मैं खरीदती या कोई और खरीदती? क्या आपको कुछ क्लैरिटी आई जो भी हमने डिस्कशन किया उसके बाद में? क्लैरिटी आई है, जैसे कि आपने बोला कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहिए और भी बेटर तरीके से, वेरिफिकेशन करना चाहिए खुद से भी, इवन लैब में भी अगर टेस्ट कराना पड़े वो भी करना चाहिए, तो आप कन्विंस हो जाएंगे खुद से कि हाँ ये है और मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ अगर इस बिजनेस कॉन्सेप्ट को हटा भी दिया जाए, उससे फिर जब आप वो चीज़ें बताएंगे या वो चीज़ें जब आप पर्सन को नॉलेज देंगे तब वो भी हो जाएगा। 99.99% चांस है अगर आपने एक्चुअल में ये सब कर लिया ना जो मैं कह रहा हूँ, तो खेल वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ ही आ रहा होगा कि एक्चुअल में संदीप महेश्वरी सर और मैंने यहाँ पर क्या कहा है। दोस्तों सारी की सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ठीक है जब तक वो चल रही है, पर जिस दिन वो भाग गई वो स्कैम बन जाती है, और इस बिजनेस को बिजनेस के रूप में ही चलाया जा रहा है, प्रोडक्टों की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए नहीं चलाया जा रहा। तभी सबसे बड़ी कंपनी जो सबसे ज्यादा बड़ी थी एमवे कंपनी, उसने 754 करोड़ का स्कैम करा था, ईडी ने पूरी की पूरी संपत्ति जब्त कर ली थी, अभी पता है न्यूज आई थी। तो दोस्तों ये हो क्या रहा है, और आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, जो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस है ना आज,
वो बहुत सारे लोग चलाने वाले तो चला रहे हैं, पर कहीं ना कहीं स्कैम तो हो ही रहे हैं हमारे साथ, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी कर रही है। और दोस्तों अगली वीडियो हम बनाने वाले हैं, पर और दोस्तों अभी सीरीज आई है, पता है किसकी, संदीप महेश्वरी सर ने ना एक और वीडियो बनाई है आज ही, मैं थंबनेल दिखा रहा हूं यहां पर, उसमें बताया गया है जो विवेक बिंद्रा सर ने अपना सिस्टम चलाया ना बड़ा बिजनेस .com IBC जो बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें लाखों करोड़ों लोगों ने ज्वाइन करा है, कोर्स लिए, उसके ऊपर वीडियो बनाई है संदीप सर ने, एक बार देख लेना, पूरा का पूरा स्कैम रिवील कर दिया है एक पर्सन ने, संदीप सर ने, वैसे इनडायरेक्टली तो नहीं कहा कि विवेक बिंद्रा सर का है वो पूरा का पूरा प्लान, पर वहां पर कमेंट सेक्शन में पता लग जाता है कि एक्चुअल में किसका है, क्या है, क्या सिस्टम चल रहा है। तो दोस्तों अगली वीडियो में इसी के ऊपर बनाने वाले कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, मैं कम्युनिटी बनाने वाला हूं जिसके साथ भी स्कैम हुआ है ना IBC के अंदर, बड़ा बिजनेस .com के अंदर, विवेक बिंद्रा सर ने जो एक्चुअल में सिस्टम चलाया जिसमें लाखों लोगों के लाखों रुपए लगे हैं और वो टोटल अमाउंट करोड़ों में बन जाता है, राइट? तो मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।